हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की पहली पारी 46 रन पर सिमट गई। क्या कप्तान रोहित शर्मा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बड़ी भूल थी? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पहले मनीष सिसोदिया, फिर केजरीवाल, अब जेल से बाहर आएंगे सत्येंद्र जैन। राव जेवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता को मिली बड़ी राहत। खबर है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राव जेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। पिछली सुनवाई में राव जेवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज राकेश सियाल ने दोनों पक्षों की जीरा के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए याचिका को खारिज करने की मांग की है। जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि उनके खिलाफ ईडी की जांच अधूरी है। राव जेवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस के जजमेंट को फॉलो किया। सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वो अब जेल से बाहर आ सकते हैं और जैन को जमानत मिलने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद। झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय से जेल में रखा, 4 बार उनके घर पर रेड की, कुछ मिला नहीं, फिर भी पीएमएलए का झूठ केस बना करके जेल में उनको डाल रखा और देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद। यूपी बिहार वालों, अभी है मौका, दिवाली छठ पूजा पर जा सकेंगे घर। आ गई है 77 ट्रेनें, शेड्यूल देखकर झट से कर ले बुकिंग। दिवाली और छठ पूजा पर अपने घर जाने और वापस आने के लिए अब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर रेलवे ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर यूपी और बिहार के लिए 38 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से चलाई जा रही ये 77 स्पेशल ट्रेनें त्योहार पर अपने घर जाने आने का इंतजार कर रहे यूपी और बिहार के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। इन स्पेशल ट्रेनों में नई दिल्ली से पटना और लखनऊ से छपरा के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही नई दिल्ली से पटना के बीच भी एक तेजस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही और सारी भी ट्रेन हैं जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहा था यह शिक्षक, अब सरकार वसूलेगी पूरा वेतन, इस तरह से हुआ खुलासा। सीतामढ़ी जिले में अवैध रूप से नौकरी कर रहे शिक्षकों की लगातार निगरानी हो रही है और हाल ही में एक और मामला सामने आया है। इसमें एक शिक्षक ने फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर पहले सीतामढ़ी, फिर किशनगंज और अंत में फिर से सीतामढ़ी में नौकरी की। अब उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो अवैध शिक्षक स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन शिक्षकों से वेतन मद में प्राप्त राशि की पूरी वसूली की जाएगी। हित नारायण ठाकुर नाम के शिक्षक फर्जी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी करते हुए पकड़ा गया। पहले उसने सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड के मध्य विद्यालय कोयली में 2008 में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाई और 2012 में इस्तीफा देने के बाद वह फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर 34,540 कोटे के शिक्षक के तहत किशनगंज जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहाड़कट में शिक्षक बन गया। इसके बाद अंतर जिला स्थानांतरण नीति के तहत वह सुरसंड प्रखंड के मध्य विद्यालय राधापुर में आ गया और जहां पर वह अभी कार्यरत था। निगरानी विभाग के वरीय डीएसपी ने इस मामले की जांच की और ये पाया कि ठाकुर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र असम के किसी संस्थान के कथित रूप से निर्गत था जो कि असल में फर्जी था। असम के संबंधित संस्थान ने पुष्टि की है कि यह प्रमाण पत्र उनके यहां से जारी नहीं किया गया। इसके बाद हित नारायण के खिलाफ बथनाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और हित नारायण ठाकुर जिले के बाजपट्टी प्रखंड के सहनी आपट्टी गांव का निवासी है। डिलीवरी बॉय और ठेले पर काम करने वाले लोगों को मिलेगी अब पेंशन, सरकार देगी सुरक्षा। जान लीजिए कौन होते हैं गीग वर्कर्स। केंद्र सरकार गीग वर्कर को आर्थिक सुरक्षा की बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कार्य आधारित भुगतान पर काम करने वाले गीग कर्मचारियों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। मांडविया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि नीति आयोग ने देश में गीग गतिविधियों और ऑनलाइन मंचों से जुड़े हुए 65 लाख
65 लाख कामगार होने का अनुमान लगाया है, लेकिन इस सेगमेंट में हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए यह संख्या 2 करोड़ से अधिक जाने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि सेवा क्षेत्र उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए ऑनलाइन माध्यम की तरफ तेजी से रुख कर रहा है और अपने परिचालन का विस्तार कर रहा है। इसे देखते हुए सरकार गिग और ऑनलाइन मंचों से जुड़े हुए कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता को तैयार करने में लगी हुई है। गिग वर्कर वे कर्मचारी होते हैं जिनसे कोई कंपनी अस्थायी आधार पर काम लेती है। यह हर बिजनेस में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से करवाया जा सकता है, और इस काम के लिए कंपनी कर्मचारियों को काम के आधार पर भुगतान करती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, फेका फर्म से जुड़े हुए कर्मचारी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है। शिमला मस्जिद विवाद, संजौली में अब नहीं लगेगी रेहड़ी पटरी। जान लीजिए क्या है नगर निगम की पूरी प्लानिंग। हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी लगाने को लेकर छिड़े हुए विवाद के बीच नगर निगम शिमला ने वेंडिंग जोन निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर में कुछ स्थानों पर रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के लिए यह जगह निर्धारित की गई है और जहां रेहड़ी लगेगी वहां पर ब्लू लाइन लगा दी गई है। वेंडर्स का कार्ड बनेगा और इस कार्ड के अनुसार जहां वेंडर्स कमेटी की ओर से रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति दी जाएगी वहीं पर रेहड़ी लगाई जा सकती है। कहीं और रेहड़ी लगाने पर कार्रवाई अमल में ली जाएगी। बता दें कि इस बाबत नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निगम के सभी वेंडर्स में ब्लू लाइन लगाई जाएगी। वर्तमान में लोअर बाजार और छोटा शिमला बाजार में ब्लू लाइन लगाई गई है। संजौली बाजार को नो वेंडर्स जोन क्षेत्र घोषित किया गया है। मेयर ने कहा है कि निगम के अब तक 1057 वेंडर्स की लिस्ट आ गई है जिनमें से 535 वेंडर्स को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से वेंडर्स की पर्ची कटा करती थी उसी तरह से शुल्क लिया जाएगा। फिलहाल 500 से 1200 रुपए तक का प्रस्ताव है। अब निगम के आगामी हाउस में इस पर चर्चा का फैसला लिया जाएगा कि शुल्क कितना लिया जाना है। शुल्क मासिक या वार्षिक लिया जाएगा इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। नहीं तो हम सुधार देंगे, क्या लॉरेंस बिश्नोई की तरफ है सीएम सैनी का इशारा। खुलेआम दे दी चेतावनी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस पकड़ चुकी है और इनमें से एक आरोपी हरियाणा के कैथल का भी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक आरोपी का हरियाणा से ताल्लुक होने से सीएम नायब सैनी नाराज है। इसके बाद उन्होंने प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई भी जगह न होने की बात कही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सुधर जाएं या प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो हम सुधार देंगे। सीएम की इस बयान को लोग लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को लेकर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि ऐसे लोगों को चेतावनी देता हूं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं, या तो प्रदेश छोड़ दें या तो सुधार कर लें, नहीं तो हम सुधार देंगे। पहले भी कहा था, ऐसे लोगों को चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है। सीएम सैनी के इस बयान को लोग जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से जोड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब नायब सैनी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। बिल्डिंग के बाहर लगा था हॉस्पिटल का बोर्ड, लगी थी मरीजों की भीड़, अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गए स्वास्थ्य अधिकारी। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते रहते हैं। पहले तो झोलाछाप डॉक्टर्स के चंगुल में लोग फंस जाते थे, लेकिन अब फ्रॉड का तरीका काफी एडवांस हो चुका है। अब नकली डॉक्टर ही नहीं बल्कि नकली अस्पताल भी खुलने लगे हैं। ऐसे ही एक अस्पताल का खुलासा बीते दिनों डूंगरपुर स्वास्थ्य विभाग ने किया है। एक अस्पताल की कई बारे में शिकायत मिलने के बाद जब स्वास्थ्य अधिकारियों ने वहां निरीक्षण किया तो वो हैरत में पड़ गए। डूंगरपुर जिला अस्पताल के पास ही एक इमारत में प्राइवेट हॉस्पिटल खोला गया था। श्रीराम चिकित्सालय के नाम से चल रहे इस हॉस्पिटल में कई मरीज भी भर्ती थे। खास करके अंदर 2 प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी के इंतजार में एडमिट मिली। जब टीम अंदर गई और उन्होंने जांचा तो पाया कि वहां कई तरह की अनियमितताएं थी। अंदर कोई डॉक्टर नहीं था, पूरा अस्पताल स्टाफ के ऊपर चल रहा था, जिसके बाद टीम ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। बता दें कि ACMHO डॉक्टर विपिन मीणा ने जांच के बारे में बताया कि कई बार उन्हें इस अस्पताल की शिकायत मिल चुकी थी। जब जांच की गई तो पाया गया कि अस्पताल में प्रेग्नेंट महिलाएं डिलीवरी के लिए एडमिट करवाई गई हैं, लेकिन वहां पर एक भी महिला चिकित्सक नहीं है और ना ही कोई अंदर डॉक्टर मौजूद था। इसकी वजह से अस्पताल को सीज कर दिया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे ने कर दी बड़ी गलती, मच गया महाकाल मंदिर में बवाल, वायरल हुआ वीडियो। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में वीआईपी एंट्री पर विवाद हो गया है। यहां पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे समेत 4 लोगों ने गर्भगृह में प्रवेश किया और महाकाल की पूजा की। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है क्योंकि गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। आम श्रद्धालुओं को शिवलिंग के दर्शन दूर से ही करने होते हैं।
इस रोक के बावजूद सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और दो अन्य व्यक्तियों ने 17 अक्टूबर की शाम यह नियम तोड़ा और इन सभी ने करीब 6 मिनट गर्भगृह में बिताए। इसके बाद अब महाकाल मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर शिंदे परिवार को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति कैसे मिली। यह आम श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ है। सलमान खान को मारने के लिए 25 लाख की सुपारी, 8 महीने की प्लानिंग, कड़ी सुरक्षा के बीच करेंगे बिग बॉस 18 की शूटिंग। एनसीपी नेता और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से भाईजान की सुरक्षा मुंबई पुलिस के लिए बड़ा टास्क बन गया है और इस केस के बाद जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये कबूल कर लिया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में उन्हीं का हाथ था, वहीं खुले तौर पर गैंग ये धमकी दे रहा है कि अगर बाबा का ये हाल हो सकता है तो सलमान खान का क्या होगा। हालांकि अब नवी मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा गया है कि पनवेल के फार्म हाउस पर ही सलमान खान पर हमले की प्लानिंग थी। वहीं बता दें कि सलमान खान की सुरक्षा को देखते हुए बिग बॉस 18 का वीकेंड का वार भी कड़ी सुरक्षा में शूट किया गया। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के तहत साजिश रचने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर सुखा उर्फ सुखवीर बलवीर सिंह को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेशी होनी थी। आपको बता दें कि सलमान खान की हत्या में 25 लाख की सुपारी, पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और M-16 और तुर्की मेड जिगाना जैसे हथियार खरीदने की प्लानिंग थी। विश्व बैंक ने भारत की शान में गढ़े कसीदे, कहा अपने दम पर बढ़ रहा है ये देश, दुनिया से बहुत आगे पहुंचा। भारतीय अर्थव्यवस्था की कायल इस समय पूरी दुनिया है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और सबसे तेज विकास दर ने हमें लेकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है। अमेरिका के सबसे करीबी माने जा रहे विश्व बैंक ने अब भारत की शान में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े कर्जदाता ने कहा है कि भारत अभी ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले काफी आगे है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कई बड़े बदलाव किए हैं और कई नई नीतियों को जन्म दिया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की वृद्धि दर सबसे उज्ज्वल हिस्सों में से एक है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की वृद्धि दर विश्व अर्थव्यवस्था के सबसे उज्ज्वल हिस्सों में से एक है। मुझे लगता है कि इस तरह के माहौल में 6-7% और उससे अधिक की दर से वृद्धि कर पाना आपको दिखाता है कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए कई कदम उठाए हैं। बच्चों को भी जीवन साथी चुनने का हक, रिटायरमेंट से पहले सीजीआई का बड़ा फैसला, बाल विवाह पर ये बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। हमने और आपने अपने जीवन या घर के आसपास छोटे बच्चों की शादी होते हुए शायद देखी होगी। कानून ये अपराध बताता है लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से यह लगभग देश के सभी हिस्सों में जारी है। अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बाल विवाह निषेध अधिनियम को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम में पर्सनल लॉ के जरिए अड़ंगा नहीं लगाया जा सकता। बच्चों से जुड़ी हुई शादियां उनके अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन करती हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने की 10 तारीख को रिटायर होने वाले हैं और इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए सीजीआई होंगे और इससे पहले डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी रूप से पालन के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीजीआई की बेंच ने कहा है कि बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। इस तरह की शादियां नाबालिगों की जीवन चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है और अधिकारियों को बाल विवाह रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपराधियों को अंतिम उपाय के रूप में दंडित करना चाहिए। यूपी और एमपी के बाद अब राजस्थान में सम्राट मिहिर भोज पर छिड़ी जबर जंग, इंटरनेट किया गया बंद। उत्तर प्रदेश के दादरी और सहारनपुर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज को लेकर मच चुके बवाल के बाद अब राजस्थान के झालावाड़ में फिर से गदर मचा हुआ है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर यहां भी राजपूत और गुर्जर समुदाय आमने सामने आ गए हैं। दोनों समाजों का दावा है कि सम्राट मिहिर भोज उनके समाज से थे। इस मामले को लेकर अब राजपूत समाज झालावाड़ में सड़क पर उतर रहा है और हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल को तैनात किया। आपको बता दें कि यहां झालावाड़ में सम्राट मिहिर भोज को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी मामले को लेकर गत महीने गुर्जर समाज ने सम्राट मिहिर भोज जयंती रैली का आयोजन किया था और उस पूरे मामले को लेकर राजपूत समाज ने आपत्ति जताई थी। उसने गुर्जर समाज की रैली निकालने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। राजपूत समाज का कहना था कि सम्राट मिहिर भोज उनके प्रतिहार कुल से थे और गुर्जर समाज उन्हें अपने कुल का बताकर इतिहास बदलने का प्रयास कर रहा है।
पाकिस्तान में जयशंकर ने शहबाज को रगड़ा, अब रूस जाकर जिनपिंग को सुनाएंगे मोदी, पुतिन भी चुपचाप देखेंगे। पाकिस्तान जाकर जयशंकर ने शहबाज शरीफ को खूब रगड़ा, आतंकवाद पर जो न कहना था इशारों में वो खूब सुना दिया, अब सुनने की बारी चीन की है। पीएम मोदी अब रूस जाकर सी जिनपिंग को खूब सुनाएंगे। तुर्रा यह कि पुतिन भी सामने ही रहेंगे मगर चुपचाप देखते ही रह जाएंगे। जी हां, विदेश मंत्री जयशंकर के पाकिस्तान दौरे के बाद अब पीएम मोदी रूस जा रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस जा रहे हैं। पीएम मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूस के दौरे पर रहेंगे और खुद व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को ब्रिक्स समिट के लिए न्योता भेजा है। विदेश मंत्रालय ने भी कंफर्म कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जाएंगे। पीएम मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर रहेंगे और पीएम मोदी अपने रूस यात्रा के दौरान ब्रिक्स समिट को संबोधित करेंगे और इस समिट में ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। चीन की ओर से जिनपिंग भी होंगे और पीएम मोदी चीन को उसकी साम्राज्यवादी नीतियों को लेकर घेरेंगे और खूब सुनाएंगे। चीन जिस तरह से पड़ोसियों को आंखें दिखाता रहता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है, ऐसे में पीएम मोदी ब्रिक्स के मंच को उसकी पोल खोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं के लिए आए 19,83,000 आवेदन, टॉप पर ही यह जिला। जान लीजिए एग्जाम को लेकर क्या चल रही है तैयारियां। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSE ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं के लिए बम्पर आवेदन प्राप्त किए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में कुल 19,83,000 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करवाया है, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में एक बड़ा रिकॉर्ड है और राज्य भर के जिलों में से जयपुर ने पंजीकरण के मामले में टॉप स्थान हासिल किया है। अकेले जयपुर जिले से यहां पर 2,22,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, जो कि पूरे राज्य में सर्वाधिक है। बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब इन आवेदनों की जांच का काम शुरू कर दिया है। प्रत्येक छात्र का आवेदन सही तरीके से भरने और सभी डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि सुनिश्चित की जा रही है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न रहे। पंजीकृत छात्रों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। बोर्ड परीक्षा की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने केंद्र व्यवस्थापकों और स्टाफ की नियुक्तियों पर भी विशेष ध्यान दिया है। महंगी मुंबई में सस्ता घर, मिडिल क्लास को सरकार देगी 26,502 मकान, सिर्फ 236 रुपए में हो रहा है रजिस्ट्रेशन। देश के सबसे महंगे शहरों में शुमार मुंबई में मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा एक हालिया रिपोर्ट से लगाया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया था कि मुंबई में एक BHK मकान के लिए आपको सालाना 5 लाख रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। लेकिन महंगी मुंबई में मिडिल क्लास के लिए आशियाना बनाने का जिम्मा वहां की सरकार ने खुद उठाया है। की सरकार ने मुंबई में लॉटरी के जरिए 26,502 सस्ते मकान बेचने की स्कीम उतारी है। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड ने यह स्कीम उतारी है, जिसमें लॉटरी के जरिए मकान खरीदारों का ड्रॉ निकाला जाएगा। सिडको लॉटरी 2024 नाम से इस स्कीम में EWS और LIG सेक्शन में ही फ्लैट उतारे जा रहे हैं। इसका मकसद कम इनकम वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुंबई में आशियाना उपलब्ध कराना है। अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिल गई जमानत। ईडी ने गंभीर आरोप में दर्ज किया है मामला। खबर है कि अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी है, हालांकि उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उन पर अन्य मामले भी हैं जो कि अदालतों में विचाराधीन हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी और कोर्ट ने अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूरी दी और सुभाषपा के विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग के केस और चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात करने के मामले में जमानत मिली है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े हुए लंबित आरोपों के कारण अभी अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वहीं कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब्बास अंसारी को चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए। डिग्री ले लो डिग्री, जयपुर में खुलेआम बिक रही है विश्वविद्यालयों की डिग्रियां, हुआ बड़ा खुलासा। राजस्थान में केवल पेपर लीक माफिया ही सक्रिय नहीं है, बल्कि वहां पर डिग्री माफिया भी उतने ही सक्रिय हैं। प्रदेश के दूर दराज के इलाके की बात तो छोड़िए, सरकार की नाक के नीचे राजधानी जयपुर में ही फर्जी डिग्रियों का खुला कारोबार चल रहा है। आप रुपया दो और मनचाही डिग्री ले लो। हैरानी की बात यह है कि ये डिग्रियां भी ई मित्र बूथों पर मिल रही है। जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिग्री बेचने वाले 3 ई मित्र संचालकों के यहां पर कार्रवाई कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अब इस मामले की विस्तृत जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया गया है। जयपुर स्टेट DCP तेजस्विनी गौतम ने फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बेचने वालों के काले कारोबार का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 यूनिवर्सिटी के करीब 750 डिग्रियां जब्त की है। जयपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रताप नगर थाना इलाके में 3 ई मित्रों पर दबिश दी है, वहां से फर्जी डिग्रियों का जखीरा मिला है और इस संबंध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खत्म होगा 12% वाला GST स्लैब, क्या सस्ते हो जाएंगे प्रॉपर्टी, कपड़े, जूते और मोबाइल खरीदना या लगेगा 18% का टैक्स। बता दें कि दिवाली से पहले मोदी सरकार देश के करोड़ों लोगों को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है। 20 अक्टूबर को होने वाली GST परिषद की बैठक इस बार काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बैठक में परिषद 12% वाले GST स्लैब को खत्म कर सकती है। इस स्लैब के तहत कई ऐसे जरूरी सामान आते हैं जो कि आम आदमी की जेब पर खासा असर डाल सकते हैं। ऐसा होता है तो मकान, जूते, कपड़े और मोबाइल की कीमतों पर बड़ा असर पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि 20 अक्टूबर को होने वाली मंत्री समूह की बैठक में 12% GST स्लैब को खत्म करने पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस स्लैब के तहत आने वाले प्रोडक्ट पर आगे कौन सी दर से GST वसूला जाएगा, मगर 12% वाले आइटम को घटाकर 5% वाले स्लैब में डाला जाता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। लेकिन अगर इस आइटम को 18% जैसे हायर स्लैब में डाला जाता है तो जाहिर तौर पर इनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। दिल्ली एम्स की महिला गार्ड ने अधिकारी पर लगाया सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप, अस्पताल ने बिठाई जांच। बता दें कि दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक महिला गार्ड ने अस्पताल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। इसके बाद एम्स प्रबंधन ने महिला के आरोपों को लेकर कमेटी बना दी है और जांच की शुरुआत कर दी है। इस मामले में कमेटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। जानकारी के मुताबिक महिला गार्ड ने आरोप लगाया है कि जब वह अपनी ड्यूटी रोस्टर के संबंध में मुख्य सुरक्षा अधिकारी से मिलने के लिए गई तो उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे जाति सूचक बातें कही। इस लेकर गार्ड ने प्रबंधन में शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि महिला गार्ड ने इन आरोपों पर 15 अक्टूबर को जारी मेमोरेंडम में एम्स कार्यालय की ओर से SC/ST/OBC शिकायत समिति के प्रमुख और डीन एकेडमिक्स डॉक्टर KK वर्मा और अस्पताल में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की प्रमुख बायोफिजिक्स विभाग की HOD डॉक्टर पुनीत कौर से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। दोनों ही समितियां 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगी। एक पोस्टमास्टर की ठगी, 1500 गांव वालों की पाई पाई खा गया, जिस खाते में 12 लाख अब उसका बैलेंस 0 रुपए। आपके बैंक खाते में 12 लाख रुपए तक की सेविंग है, ये आपके जिंदगी भर की कमाई है जिसे आपने बड़ी मेहनत के साथ कमाया है। आपकी औलाद ने कुछ कुछ पैसे भी आपको भेजा और आपने उसे अपने खाते में जमा करवाया, कुछ पेंशन भी आई, पासबुक में एंट्री भी है और आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जिंदगी जीने के लिए आपने कुछ पैसा तो बचा कर रखा ही है। लेकिन एक दिन आपको अचानक से पता चलता है कि आपके बैंक का असल बैलेंस तो 0 रुपए है और तो और जो पासबुक आपके पास है वो भी फर्जी है, कोई खाता था ही नहीं। जरा सोचिए कि आप पर क्या बीतेगी। ऐसा ही कुछ नजारा हुआ है उत्तराखंड के बागेश्वर के 1500 से ज्यादा गाँव वालों पर और ऐसे ही किया है एक पोस्टमास्टर ने। दरअसल उत्तराखंड के बागेश्वर के सिमगढ़ी उप डाकघर में एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। मामला काफी चौंकाने वाला है। इसमें 1500 से अधिक गांव वालों की जिंदगी भर की बचत गायब हो गई है। गांव वालों के मुताबिक इस घोटाले में लगभग 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है, जिससे गाँव वालों का डाकघर व्यवस्था से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। ये घोटाला तब सामने आया जब सिमगढ़ी उप डाकघर का पोस्टमास्टर फरार हो गया। परेशान ग्रामीणों ने अपनी पासबुक चेक करवाई तो पता चला कि उनके खाते में जमा किए गए लाखों रुपए गायब थे। जिन खातों में लाखों रुपए जमा थे वो अब कुछ हजार या फिर 0 बैलेंस दिखा रहे हैं। बता दें कि 17 वर्षीय शारदा देवी, जिन्होंने 4 साल में 2 लाख रुपए की बचत की थी, अब उनके खाते में मात्र 2000 रुपए शेष है। वो कहती है कि मैंने अपनी बेटी की भेजी हुई थोड़ी थोड़ी राशि और वृद्धावस्था पेंशन जमा की थी, अब सब कुछ गायब हो गया है। रमेश राठौर, जिन्होंने सालों की मेहनत से 12 लाख रुपए जमा किए थे, अब उनके खाते में 0 बैलेंस दिख रहा है। उन्होंने भरी आंखों से कहा कि यह हमारी जिंदगी की पूरी कमाई थी, अब हम क्या करेंगे। ठगी के शिकार ग्रामीण दिव्यांग बलवंत सिंह के साथ तो गजब हो गया। उन्होंने बताया कि 2016 से वो गाय भैंस का दूध बेचकर जो भी बचत करके डाकघर में जमा कर रहे थे उसकी लिखित एंट्री तो पासबुक में पोस्टमास्टर की ओर से दी जा रही थी। लेकिन जब आज मैं अन्य लोगों के साथ कॉमेडी देवी डाकघर पहुंचा तो वहां पर अपने 3 पासबुक चेक करवाई तो पता चला कि इन पासबुक का कोई खाता ही नहीं है डाकघर में।
बता दें कि इसके साथ ही गांव से आए अन्य ग्रामीणों ने भी अपने पासबुक चेक करवाए तो कई अन्य पासबुक भी फर्जी निकले हैं। इस पूरे केस में एक खास बात ये भी है कि पीड़ित ग्रामीणों की शिकायत के बाद संबंधित विभाग द्वारा की जा रही जांच के दौरान लगभग 1500 ग्रामीणों के डाकघर के बचत खातों में से दर्जनों ऐसे खाते सामने आए हैं जिनमें ग्रामीणों के पास डाकघर की पासबुक तो है लेकिन उन पासबुक का कोई भी खाता डाकघर में रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान उत्तम राठौर के मुताबिक इस घोटाले से सिमगढ़ी और आसपास के गांव के 1500 से अधिक खाताधारक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बताया है कि ग्रामीणों की कुल जमा राशि लगभग 2 करोड़ रुपए तक हो सकती है और अब पोस्ट ऑफिस का अधिकतर स्टाफ छुट्टी पर है और ग्रामीण अपनी जमा पूंजी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिस पन्नू की हिफाजत में जुटा अमेरिका, उसका गॉड फादर पाकिस्तान। जान लीजिए क्या है ये इनसाइड स्टोरी। खालिस्तान तंगी गुरपत वन सिंह पन्नू के तहत साजिश रचने का आरोप अमेरिका के न्याय विभाग ने विकास यादव नाम के एक भारतीय पर लगाया है, लेकिन अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले और खालिस्तानी आंदोलन को जिंदा करने के लिए बनाए गए सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। गुरपतवंत सिंह पन्नू आए दिन सोशल मीडिया के जरिए भारत को धमकी देता रहता है और इस पर भी अमेरिका चुप्पी साधे रहता है। सबसे खास बात है कि अमेरिका को भी अब पता है कि पन्नू की भारत विरोधी गतिविधियों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वहीं पन्नू का गॉडफादर है। इसके बावजूद भी अमेरिका कुछ नहीं बोलता। अब पन्नू का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है। सिख फॉर जस्टिस अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत रजिस्टर्ड है। इसे रजिस्टर कराने वालों में एक पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है जिसका नाम मोहम्मद सलमान यूनुस है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने भाई अवतार पन्नू और इसी पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद सलमान यूनुस के साथ मिलकर इस फर्म को रजिस्टर करवाया था। सिख फॉर जस्टिस इंटरनेशनल को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका कंपनी नंबर भी यह है। यह एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज का सुविचार, जिंदगी में असली सफलता हम तब हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सीख लेते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।